कांग्रेस के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के लिए वोट मांगने के लिए अमित शाह सिद्धार्थ नगर पहुंचे। जिला कारागार के सामने आयोजित जनसभा में अमित शाह को सुनने भारी भीड़ उमड़ी। डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को जिताने का आह्वान करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ क्षेत्र के हिसाब से बोली, खान पान, रहन सहन में बदलाव आ जाता है। अगर पूरे भारत में एक बात सामान्य है तो वह है मोदी मोदी का नारा। यही नारा दर्शाता है कि फिर से मोदी सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि अपने प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को यह सोचकर वोट ना करिएगा कि उन्होंने बहुत विकास किया है, बल्कि ये सोचकर बंपर वोट से दिलाइए कि मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी वोट के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगी। कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री नहीं होगा, एक बार फिर से मोदी सरकार बनाइए, धारा 370 कश्मीर से खत्म करें। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन आया तो उत्तर प्रदेश में निजाम राज आ जाएगा। निजाम राज को क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि निजाम का मतलब नसीमुद्दीन, इमरान, आजम खान, मुख्तार अंसारी है। इस निजाम राज से सिर्फ योगी और मोदी ही बचा सकते हैं। पेश है सिद्धार्थ नगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। भाषा बदलती है, कपड़े बदलते हैं, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है। आज सुबह मुझे किसी ने परोठा सब्जी खिला दिया, दोपहर को जगदम्बिका पाल भी यहाँ का भोजन करा देंगे। दक्षिण में गया, किसी ने इडली डोसा खिला दिया। बोली भी बदलती है, भाषा भी बदलती है, लिपि भी बदलती है, मगर एक नारा है जो बदलता नहीं है। पूरे देश भर में मैं गया, नारा एक ही लगता है, मोदी 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 मोदी। अरे मित्रों, अरे मोदी मोदी का नारा लगता है, ये राहुल बाबा को लगता है कि मोदी मोदी का नारा नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में लग रहा है। राहुल बाबा, ये बुआ भतीजा भी कान खोल कर सुन ले, ये मोदी मोदी का जो नारा लग रहा है वो किसी नेता की हौसला अफजाई के लिए नारा नहीं लग रहा है, ये राजनीतिक नारा नहीं है, ये मोदी मोदी का नारा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का अंतर का आशीर्वाद है भाई नरेंद्र मोदी के लिए। ये मोदी मोदी का नारा, ये मोदी मोदी का नारा दिखाता है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि इस देश के अंदर 30 मई 19 को नरेंद्र मोदी जी। मगर भाई, मैं जरा उल्टा पुल्टा आदमी हूं, मैं आया हूं जगदम्बिका जी को जिताने। मैं कहता हूं जगदम्बिका जी ने शौचालय बनाया, बिजली दी, घर दिया, बीमा दिया, विकास किया, जगदम्बिका जी को एक भी मत इसके कारण नहीं देना है। मत देना भैया ना, मैं कहता हूं ना, उनका अध्यक्ष हूं, जगदम्बिका जी को मत जरूर देना है, प्रचंड बहुमत से जिताना है, मगर इसके कारण नहीं, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, इसके कारण उनको जिताना है। मित्रों, देश की सुरक्षा को हम वोट बैंक की राजनीति से नहीं तोड़ेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, मगर भारती की सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ नहीं। मित्रों, अभी अभी कश्मीर में चुनाव था, राहुल बाबा के साथी ओमर अब्दुल्ला बोले कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे बताओ सिद्धार्थ नगर वालों, कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या? सच बताना, जोर से बताना, होना चाहिए क्या? एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? मित्रों, मैं बताने आया हूं, ये सारे लोग कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं डुमरियागंज वालों, आप जगदम्बिका पाल को वोट देकर सांसद बनाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हम हटा देंगे। और राहुल बाबा,
अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार है, फिर से बनने वाली है, मगर कभी भी भाजपा की सरकार नहीं है तो भी, हम विपक्ष में है तो भी, मेरा एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग। भाजपा महागठबंधन आया तो फिर से यूपी के अंदर निजाम राज आएगा। मैं सोच समझ कर कह रहा हूं निजाम राज आएगा। क्या मतलब है निजाम राज का बताऊं? मैं बताऊं, निजाम से है नसीमुद्दीन एन, इमरान आई, आजम खान ए, मुख्तार अंसारी एम। आप फिर से नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान, मुख्तार को चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? निजाम राज चाहिए? निजाम राज से केवल और केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही बचा सकते हैं।